हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में। मैं गौरव गर्ग एजुकेशन पॉइंट हरियाणा की तरफ से आज आपको एक लेटेस्ट हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती चल रही है उसकी अपडेट लेकर के आया कि हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के आखिरकार हाई कोर्ट ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। पूरी जानकारी इस वीडियो में हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती को लेकर है कि हाई कोर्ट का आखिर क्या कहना है भर्ती को लेकर के, इस वजह से रिजल्ट में क्या हो रही है देरी, इसका कारण भी आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको कट ऑफ भी बताई थी वीडियो के जरिए, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का क्या कहना है। दोस्तों, हाई कोर्ट को कहना है कि परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब हमें भी नहीं आते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें भी नहीं आते। ये आज ही 4 दिसंबर 2018 का आपको न्यूज़पेपर दिख रहा होगा, ये दोस्तों आज का न्यूज़पेपर है। इसमें कहा है, हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिनके जवाब क्या है हमें भी नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इतने हार्ड क्वेश्चन थे कि जो चतुर्थ श्रेणी है उनको लेकर के लिखित परीक्षा में कठिन सरकार को लगाई फटकार। क्या क्या नियोक्ता दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, उन्होंने साफ फटकार लगाते हुए एचएससी को कहा है कि क्या वो बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, क्या लिखित परीक्षा में कठिन प्रश्नों को लेकर सरकार को बाहरी फटकार लगाई है। उन्होंने ये टिप्पणी आयोग द्वारा 17 नवंबर को चतुर्थ श्रेणी के आयोजित प्रश्न पत्र को लेकर की है। दोस्तों, इसमें साफ लिखा है कि जो उन्होंने दिमाग को बिल्कुल नहीं लगी, योग्यता थी 10वीं और परीक्षा एनिमल अटेंडेंसीज जैसे पद की है, और जो प्रश्न पत्र है उसका हाई लेवल बहुत ज़्यादा था। इसमें आपको साफ साफ कोई भी भर्ती, इन्होंने हाई कोर्ट ने बिल्कुल धमका दिया है, उसको कहा है कि कोई भी भर्ती आपकी साफ नहीं निकलती है, हाई कोर्ट में आकर के वो भर्ती अटक जाती है। उन्होंने ये दोस्तों एक केस चल रहा था, उसकी सुनवाई के दौरान बीच में पंजाब हाई कोर्ट ने ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती को लेकर के फटकार लगा दी अच्छी तरह से। उन्होंने कहा कि परीक्षा में ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हमें भी नहीं आता, ये हाई कोर्ट के एक जज का कहना। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि उन्होंने कितनी ज़बरदस्त फटकार लगाई होगी एचएससी को लेकर, इस चतुर्थ श्रेणी डी ग्रुप की भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, इस वजह से आपके अंकों में कुछ सुधार हो सकता है, अंक जो कट ऑफ है वो कुछ डाउन हो सकती है। यह आज की लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, इसी वजह से रिजल्ट में देरी चल रही है, क्योंकि अब एचएससी सोचने पर मजबूर है कि क्या किया जाए, किस प्रकार से जनता को शांत किया जाए ताकि इसमें कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणा के साथ, हम इसी पर रहेंगे। अन्य प्रकार की कोई भी अपडेट जो आपको रिलेटेड होगी आपसे लेकर के बहुत जल्दी आएंगी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि क्या होता है आखिर, हरियाणा कोर्ट ने क्या कुछ कहा, हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में ऐसे सवाल जिनके जवाब हमें भी नहीं आता, इसको लेकर के भारी फटकार एचएससी को लगाई है, इस वजह से कट ऑफ कुछ डाउन रहने की संभावना है और रिजल्ट में इसी वजह से दोस्तों देरी हो रही है। धन्यवाद दोस्तों, आज यही था एचएससी ग्रुप डी की भर्ती को लेकर अपडेट। मिलता हूँ अगली वीडियो में।